हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एम के आर किचन में। आज एम के आर किचन में चॉकलेट केक बनने जा रहा है। तो चॉकलेट केक के लिए परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत है। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केक टिन को ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप क्या कीजिएगा, ऑयल लगाने के बाद मैदा से डस्ट कर दीजिएगा तो वो सेट हो जाएगी। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप इस तरह से लगा के पहले केक टिन को रेडी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक बाउल लेंगे और 1 कप दही हमने यहाँ पर ली है। मैं केक थोड़ा बड़ा बना रही हूँ इसीलिए मैं एक कप दही ले रही हूँ। आप अगर छोटी केक बनाएंगी तो आप आधी कप दही लीजिएगा। तीन कप शुगर पाउडर लेंगे और 1 कप ऑयल लेंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्रीमी टेक्सचर आने तक। अब हम लेंगे मैदा 3 कप। मैदा को छान लेंगे। सारी चीज़ों को छानने के बाद हम लेंगे कोकोआ पाउडर 1/2 कप। इसे भी हम छान लेंगे। अब हम मिलाएंगे। हमें कटिंग और फोल्डिंग करके मिलाना है। कट और फोल्ड करके मिलाएंगे। दूध हम लेंगे 1 कप। पहले हम 1 कप डालेंगे, उसके बाद और लगेगी तो हम लेंगे। दूध हमने 2 कप यूज करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, प्री हीट होने देंगे 10 मिनट के लिए। बेकिंग पाउडर लेंगे 1.5 चम्मच और 1/2 चम्मच लेंगे हम कुकिंग सोडा, खाने का सोडा। हमने 2 कप पूरा दूध को यूज किया है। अब हम मिलाएंगे, कटिंग और फोल्डिंग करके मिलाएंगे। चॉकलेट एसेंस डालेंगे 2 चम्मच। हम मिलाएंगे। हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम केक टिन में डालेंगे। टैप करेंगे। अब हम कढ़ाई में रखेंगे। हम 1 घंटे के बाद चेक करेंगे।
हमारा केक 1.5 घंटा लगा पूरा। केक देखिए, टूथपेक साफ़ आ रही है, केक रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे डेयरी मिल्क का एक चॉकलेट का पैकेट, इसे हम बॉयलर में बॉयल करेंगे। हम एक सॉस पैन में पानी ले लेंगे, उसके ऊपर हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है, अब हम डीमोल्ड करेंगे। ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है केक। केक ठंडे होने के बाद ही हमें डीमोल्ड करना है। हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है केक, और बहुत ही टेस्टी भी है केक। अब हमने जो मेल्ट किया है उसे हम लगा देंगे केक पर। अब हमने के चॉकलेट लगा लिया है, अब ये गोल्डन बॉल्स जो है अब हम इसे इसमें स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको ये चाहिए तो आप ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकती हैं। सारे बॉल्स को हमें इस तरह सजाना है। अब हमारा ये रेडी हो चुका है, अब हम केक को कट करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.